सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए इंजीनियर के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो उससे पहले मैं आपको इंजीनियर का रोल थोड़ा समझा देता हूँ। तो इंजीनियर ना वेंट कर सकता है 15 सेकंड के अंदर, फिर वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है, और फिर 10 सेकंड के बाद फिर वो फिर से वेंट में जा सकता है। और वो इम्पोस्टर का ना 2 बार सेबोटास 1 सेकंड में फिक्स कर सकता है। तो इसी रीज़न से इंजीनियर ना मेरा सबसे फेवरेट रोल है। तो इंजीनियर में मेरे पास एक ऐसी टिप्स है, ऐसा चक्र व्यू है इंजीनियर का, जिसे तोड़ना इम्पोस्टर के लिए थोड़ा टफ है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वो टिप्स, और उसे कैसे तोड़ना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहली टिप्स है कि आप कौन सी जगह पे स्पॉन होते हो। अगर आप टेबल के राइट साइड कॉर्नर पे इस तरफ स्पॉन होते हो, तो आप ना जो कैफेटेरिया की वेंट है ना, वहाँ पे वेंट में चले जाइए गेम स्टार्टिंग में। अगर आप अपोजिट साइड यानी कि इस तरफ आप स्पॉन होते हो, तब 2 काम कर सकते हो। आप जाके मेडबे की वेंट में भी छुप सकते हो, या फिर आप सीसीटीवी रूम में जाके सीसीटीवी देख सकते हो, या फिर उसके वेंट में छुप सकते हो। और अगर दोनों के बीच में आप नीचे की तरफ स्पॉन हुए, तो आप एडमिन की वेंट में छुप सकते हो। ये आप कब तक कर सकते हो? जब तक आपकी गेम में ब्लैक जैक नहीं आता हो। अगर ब्लैक जैक आया है तो आपको शुरू में वेंट नहीं करना है, आपको अकेले में जाके वेंट करना है। देखो, जब भी गेम में बाउंटी हंटर, डॉक्टर या फिर टाइम मास्टर आता है ना, तो आपको शुरू में अपना सेबोटास फिक्स कर देना है। बाकी तो आपको सेबोटास अपने दोनों के बचा के ही रखने हैं, आपको शुरू में कोई यूज़ नहीं करना। तो इसका रीज़न ये है कि गेम में टाइम मास्टर और डॉक्टर आया तो आप शुरू में फिक्स करके मीटिंग बुला लोगे, तो दोनों में से जो भी रोल आया होगा वो जिंदा रहेगा। अगर वो जिंदा रहेगा तो आपकी गेम जीतने के चांसेस बहुत ही हाई होंगे। और आपको तो पता ही है कि बाउंटी हंटर बहुत ही खतरनाक रोल है, और इम्पोस्टर का शुरू में कूलडाउन बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए बाउंटी लास्ट में बिछा है, उससे पहले आप फिक्स करके मीटिंग बुला लीजिएगा। दूसरी टिप ये है कि अगर आप कैमरा देख रहे हो और मेडबे वाले कैमरा में से कोई भागते भागते आ रहा है, आपको तुरंत वेंट में चले जाना है, क्योंकि ज़्यादातर वो इम्पोस्टर ही होते हैं। कन्फर्म नहीं होता है, लेकिन बहुत बार वो इम्पोस्टर ही होते हैं, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है। तो आप वेंट में छुपे रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तीसरी टिप जो है वो है इंजीनियर का चक्रव्यूह, जो मैंने बनाई है, जो मेरी सबसे खतरनाक टिप्स है। वो है, आप एक सेफ प्लेयर को ना आप सीसीटीवी रूम में बैठा लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको मेडबे की वेंट में जाना है, और इलेक्ट्रिक की वेंट में घूमना है, और सिक्योरिटी की वेंट में घूमना है। तो ऐसे करके आपको तीनों वेंट में से चक्कर काटना है, और जैसे ही आपका कूलडाउन ख़त्म होता है तो आप ना सीसीटीवी रूम में से बाहर निकल लिएगा। यहाँ पे मैंने सियान को बोल दिया था कि तू सीसीटीवी रूम में चले जाओ, मैं यहाँ पे पूरे वेंट में नज़र रखूँगा। जैसे देखो यहाँ पे मेरा कूलडाउन खत्म होने वाला है, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी के वेंट से बाहर निकलूंगा, और सियान वहाँ पे देखो कैमरा दिख रहा है। इसको तोड़ना बहुत ही टफ होता है इम्पोस्टर के लिए। इसको तोड़ने के लिए दोनों इम्पोस्टर को यहाँ पे साथ में आके किल करना होता है, तभी ये चक्रव्यूह तोड़ सकता है, नहीं तो ये चक्रव्यूह नहीं टूट सकता। इस टेक्निक से मैंने बहुत इम्पोस्टर को पकड़वाया है, क्योंकि ना इम्पोस्टर आते हैं और सिक्योरिटी में जो होता है उसे मार देते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि मैं वेंट में छुपा होता हूँ। और कई बार ना इम्पोस्टर इलेक्ट्रिक और मेडबे में किल कर देते हैं और वेंट में छुप जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि मैं वेंट में छुपा होता हूँ। तो ऐसे करके मैंने बहुत ही सारे इम्पोस्टर को निकलवाया है, आप भी चाहे तो निकलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सेफ प्लेयर को आपको सीसीटीवी रूम में बैठा देना है। मान लो अगर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक और मेडबे की साइड किल नहीं होते, कहीं दूसरी जगह पे किल होते हैं, तो वो ना जो सिक्योरिटी में बैठा होता है ना, उसे सब पता चल जाता है। तो ऐसे करके ये चक्रव्यूह बहुत ही खतरनाक बन जाता है। तो इसके तोड़ने के लिए दोनों इम्पोस्टर को साथ में आके किल करना होता है। इसके लिए इम्पोस्टर को एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है, लेकिन वो तो वो कर नहीं सकते। चौथी टिप्स ये है कि अगर कोई भी सेबोटास के लास्ट 5 सेकंड बचे हो, तो आपको तुरंत अपना सेबोटास फिक्स करने वाली एबिलिटी यूज़ कर देनी है, ताकि आप गेम हारने से बच जाएं। और देख लीजिएगा कि कौन सेबोटास फिक्स नहीं कर रहा था, फिर मीटिंग बुला के उस बंदे को सीधा वोट आउट करके बाहर निकाल दीजिएगा। तो ऐसे करके भी आप इम्पोस्टर को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे ब्लू ने यहाँ पे ठीक नहीं करा था, और वो ब्लैक जैक था, हमने उसे वोट आउट करने वाले ही थे, तो उसने गलत केस करके खुद ही मर चुका है। और हाँ गाइस, हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत पास आ चुके हैं, तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, वो नीचे कमेंट में टाइप कर लीजिएगा। जैसे हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो जो आपके क्वेश्चन होंगे, तो मैं उन सभी का आंसर एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो आई होप गाइस आपको ये इंजीनियर की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल पर जितने भी नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny imposter.